इस वीडियो लेक्चर में हम वाइंडिंग पिचेस डिस्कस करेंगे। आर्मेचर की वाइंडिंग करते वक्त कॉइल की साइज को किस तरह डिसाइड किया जाता है, वाइंडिंग के टाइप को किस तरह डिसाइड किया जाता है और वाइंडिंग के एंड की कम्यूटेटर के साथ कनेक्शन किस तरह की जाती है, ये ऑल थिंग्स वाइंडिंग पिचेस पे डिपेंड करता है। नाउ देयर आर फोर वाइंडिंग पिचेस व्हिच डिसाइड द आर्मेचर वाइंडिंग। नंबर वन, बैक पिच। नंबर टू, फ्रंट पिच। नंबर थ्री, वाइंडिंग पिच। एंड नंबर फोर, कम्यूटेटर पिच। बैक पिच को वाई बी से रिप्रेजेंट करते, फ्रंट पिच को वाई एफ से रिप्रेजेंट करते, वाइंडिंग पिच को वाई से रिप्रेजेंट करते और कम्यूटेटर पिच को वाई सी से रिप्रेजेंट करते। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स डायग्रामेटिकली। इस डायग्राम में ये आर्मेचर कोर दिखाया गया है। आर्मेचर के सरफेस के ऊपर ये स्लॉट्स दिखाए गए हैं और ये पोर्शन कम्यूटेटर सेगमेंट है। हम इस आर्मेचर की वाइंडिंग करेंगे बाई यूजिंग दीज टर्म्स। लेट्स फर्स्ट वाइंड द फर्स्ट कॉइल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कम्यूटेटर सेगमेंट वन। हमने कम्यूटेटर सेगमेंट वन से स्टार्ट किया और कॉइल नंबर वन का साइड नंबर वन स्लॉट नंबर वन में से पास किया। कॉइल नंबर वन का दूसरा साइड कौन से स्लॉट में जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये बैक पिचर डिसाइड करता है। लेट्स से इस केस में बैक पिचर 5 के बराबर है, इसलिए दूसरा साइड स्लॉट नंबर 6 में जाएगा क्योंकि 5+1 से 6 आता है। अब इस साइड नंबर 2 को कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, कम्यूटेटर ऑफ पिच। लेट्स से इस केस में कम्यूटेटर पिच 1 है, तो इस साइड को कम्यूटेटर ऑफ सेगमेंट 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट से कॉइल नंबर 2 स्टार्ट होगा। कॉइल नंबर 2 का स्टार्टिंग साइड कौन से स्लॉट में जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, फ्रंट पिच। लेट्स से फ्रंट पिच इज 3, तो कॉइल नंबर 2 का स्टार्टिंग साइड कौन से स्लॉट में जाएगा, 6-3 इट गिव्स 3, पहला साइड स्लॉट नंबर 3 में जाएगा। अब आर्मेचर के इस साइड को बैक साइड कहते हैं और इस कम्यूटेटर साइड को फ्रंट साइड कहते हैं। बैक साइड पे एक कॉइल के साइड के दरमियान डिस्टेंस किया है, इस डिस्टेंस को बैक पिच कहते हैं। जैसा कि इस केस में कॉइल नंबर 1 के स्टार्टिंग और फिनिशिंग साइड के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है इसको बैक पिच कहते हैं। इस तरह फ्रंट साइड पे कॉइल नंबर 1 का फिनिशिंग और कॉइल नंबर 2 का स्टार्टिंग, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, इस डिस्टेंस को फ्रंट पिच कहते हैं। इसी तरह 2 कंसेक्यूटिव कॉइल के स्टार्टिंग साइड के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस को वाइंडिंग पिच कहते हैं। ये डिस्टेंस क्या है, वाइंडिंग पिच। अब इस डायग्राम से ये क्लियर है कि वाइंडिंग पिच इज इक्वल टू बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। अगर इस डिस्टेंस से ये डिस्टेंस माइनस हो तो इससे ये डिस्टेंस आता है। अब इस डायग्राम में ये वाइंडिंग पिच कॉइल के साइज को डिसाइड करता है जबकि फ्रंट एंड कम्यूटेटर पिच वाइंडिंग के टाइप को डिसाइड करता है। क्योंकि इस केस में फ्रंट पिच बैक पिच से कम है इसलिए ये वाइंडिंग कौन सा वाइंडिंग बनता है, लैप वाइंडिंग। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स से इस एग्जांपल में बैक पिच 3 है, फ्रंट पिच 3 है और कम्यूटेटर पिच 6 है। नाउ लेट्स वाइंड द कॉइल इन द आर्मेचर स्लॉट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कम्यूटेटर सेगमेंट 1। कॉइल 1 का साइड नंबर 1 स्लॉट नंबर 3 में से पास किया, दूसरा साइड कौन से स्लॉट में जाएगा, चूंकि बैक पिच 3 है इसलिए 3+3 से 6 आता है, इसलिए इसका दूसरा साइड स्लॉट नंबर 6 में जाएगा। अब इस एंड को कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, चूंकि कम्यूटेटर पिच 6 है 1+6 से 7 आता है इसलिए ये दूसरा एंड 7 के साथ कनेक्ट होगा। इस पॉइंट से कॉइल नंबर 2 स्टार्ट होगा।
वायर नंबर टू का स्टार्टिंग साइड कौन से स्लॉट में जाएगा, क्योंकि फ्रंट पिक्चर 3 है, 3 प्लस 6 से 9 आता है, इसलिए क्वाइल नंबर 2 का स्टार्टिंग साइड स्लॉट नंबर 9 में से पास होगा। बैक साइड पे क्वाइल के टू साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको बैक पिच कहते हैं। फ्रंट साइड पे क्वाइल 1 का फिनिशिंग क्वाइल 2 के स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस बनता है ये फ्रंट पिच है। और टू कंसेक्यूटिव क्वाइल्स के स्टार्टिंग के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वाइंडिंग पिच कहते हैं, इसलिए ये फर्स्ट क्वाइल का स्टार्टिंग है और ये सेकंड क्वाइल का स्टार्टिंग है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको रिजल्टेंट पिच कहते हैं। अब इस केस में रिजल्टेंट पिच वाई बी प्लस वाई एफ के बराबर है। अगर इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को ऐड किया जाए तो इससे ये डिस्टेंस आता है, इसको रिजल्टेंट पिच भी कहते हैं। अब इस डायग्राम से ये क्लियर है कि बैक पिच क्वाइल के साइज को डिसाइड करता है, जबकि फ्रंट और कम्यूटेटर पिच वाइंडिंग के टाइप को डिसाइड करता है। इस केस में ये वाइंडिंग का कौन सा टाइप है, वेव वाइंडिंग, क्योंकि ये वेव की शक्ल बनाता है।